मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। साफ साफ पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत से कई बड़े संकेत होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है, कहीं ना कहीं इसका जो निर्णय है वो लोकसभा चुनाव 2024 पे क्या असर पड़ सकता है, ऐसे सूत्रों की अगर बात की जाए, माना जाए, आंकलन किया जाए तो पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी जो गैंगस्टर था, माफिया था, डॉन था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा भी उसका इतिहास रहा, लेकिन पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी की जिस तरह मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है, अभी आधिकारिक पुष्टि का जो प्रमाण है वो सामने आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार हार्ट अटैक के बाद कितनी देर तक उनकी तबीयत लगातार ख़राब रही और किस तरह से उनको हार्ट अटैक आने के जो संभावना थी वो लगातार बनी थी, क्योंकि लगातार जो तीन डॉक्टर का पैनल था वो उनका उपचार अभी करता हुआ नज़र आ रहा था। जब ये आपने तस्वीरें दिखाई थी, अभी तस्वीरें सभी लोगों ने देखी कि जब मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर में हालत बिगड़ी थी तो उनको एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था और जब वो लगातार बेहोश थे, उनको होश में आने में काफ़ी समय लगा, पेट के अंदर उनके काफ़ी तकलीफ बताई जा रही थी, दर्द बताया जा रहा था, इससे पहले भी मुख्तार अंसारी की लगातार तबीयत ख़राब होती रही, लेकिन जब मुख्तार अंसारी की जो तबीयत बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उनको पहले भी 14 घंटे आईसीयू के अंदर में रखा गया था। साफ तौर पर अभी डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ मऊ और गाजीपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और मेडिकल कॉलेज के दायरे की अगर बात की जाए तो दो दिन तक यहाँ पर किसी प्रकार की जो पुलिस फोर्स थी वो नहीं बढ़ाई गई थी। अभी चंद मिनटों के दौरान में पूरी तस्वीर बदलती हुई नज़र आनी आपको शुरू हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गाजीपुर और मऊ के अंदर में मुख्तार अंसारी का दबदबा है, वहाँ पर भी फोर्स की बढ़ोतरी की गई है और मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है, ये तो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि क्या प्रमाण के साथ आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ होगा। हालांकि अब श्याम तिवारी का रुख करते हैं। श्याम, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत, हालांकि कॉज ऑफ डेथ ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी, जाहिर तौर पर आप तक क्या खबर पहुंची है? देखिए, अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में फोर्स तैनात कर दिया गया है, डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं और मुख्तार को अभी भी आईसीयू में रखा गया है। अभी उनकी जो मौत है उनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ही कहा जा रहा है कि मुख्तार की मौत हो गई है। जिस तरीके से मुख्तार को पेन हुआ और उसके बाद उसे आनंद फानंद में लेके जाया गया, और साथ ही साथ भी आपको बता दें कि तुरंत ही जिले के कप्तान और डीएम को सूचित किया गया था, और जब मुख्तार की गाड़ी जब पहुंची है एम्बुलेंस के साथ में जिला मेडिकल कॉलेज, तो उसी दौरान एसपी और डीएम भी वहां पर मौजूद थे, जिससे ये आइडिया तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि मुख्तार की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ऐसे में लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे, उन्हें आईसीयू में ले भी जाया गया, एडमिट किया गया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर यही आ रही है कि मुख्तार ने दम तोड़ दिया है। और फिलहाल जो शाम आपका रुख करते हैं, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज स्टेट हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र सर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब जाकर, हालांकि 8 बजे ये खबर आई और हार्ट अटैक के बाद अब खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत, हालांकि सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई मऊ, गाजीपुर और बादा में, उससे साफ जाहिर होता है कि कोताही कुछ नहीं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा।